मैं एक बहुत ही मतलब गरीब फैमिली से हूँ, और आज मैं 18 साल का पूरा संघर्ष मेरा रहा है छात्र जीवन से लेके अब तक का। तो इसमें जो मैं आगे बढ़ा हूँ तो वो आप जैसे भाइयों की बदौलत ही बढ़ा हूँ, क्योंकि मेरा पैसा तो था नहीं। हाँ, पर आप जैसे भाई और लोग मेरे समर्थक हैं, वही मेरा धन है और वही मेरे को आगे बढ़ाता है और वही शायद चुनाव में जीत भी सुनिश्चित करेगा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं जा रहा हूँ भाई, अभी एक मतलब नामांकन है, हमारे एक भैया हैं तो उनकी वाइफ को टिकट कंफर्म हो गई है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे। और टिकट कंफर्म हो गई है तो भाई साहब तो समझ ही सकते हो कि क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ पे नहा चुका हूँ, मैं कपड़े पहनने जा रहा हूँ और फटाफट यहाँ से निकल रहे हैं मैं और मेरा भाई, और देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी भाई अभी तो लिटरली कल का थका हुआ बहुत हालत ख़राब है, और तुम देख सकते हो मेरे फेस से पता चल रहा होगा कि मैं बिना सोए कैसे रहा हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करा करो यार, कमेंट सेक्शन में बताओ मेरी शक्ल कैसी हो रही है, भूत बिलाव लग रहा हूँ ना। चलो तो फटाफट मैं तैयार होता हूँ और फिर हम लोग चलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, थोड़ा सा भी रूम खराब हो रखा है, तो क्यों हो रखा है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सामान वामान ऐसे बिखरे रखा है मैंने, बाद में इसे सही कर दूंगा। तब तक के लिए भैया आपको बता रहा हूँ, मैंने ये पहना हुआ, देखो ये ड्रेस डाल रखी है मैंने, वाइट शर्ट विद ब्लू जीन्स, और नीचे डाल रहा हूँ मैं कोल्हापुरी टाइप चप्पल, ताकि मैं भी थोड़ा सा नेता लगूँ ना। अरे जब मैं भी नेता लगूंगा तभी तो मजा आएगा पागल। नामांकन करने का मजा क्या है, यही तो है मजा नामांकन करने का। लल्लू तो भी रेडी, चलो चलते हैं भाई नीचे, उसको लेके चलते हैं। रहो मैं वॉइस देख लियो, हो रही है कनेक्ट क्या नहीं हो रही वॉइस? हाँ हो रही है। चलो स्कूटी ले चल रहे हैं क्या? स्कूटी से चलेंगे ना, स्कूटी से चलेंगे ना। 50 mm नहीं लगेगा। चलो भाई कैसे आपकी? तो खराब बाबा का आशीर्वाद है तो खराब नहीं होगी। अच्छा तब तो और बढ़िया है। तो फाइनली गाइस मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ और भैया भी मिल गया हमें। अब जा रहा हूँ मैं दामू भैया से मिलने, और उसके बाद फिर भाई साहब हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे भैया? हम एसडीएम ऑफिस जाएंगे नामांकन करने, है ना? चलो इस बार जिताना है ना, जीत हमारी है। क्या कह रहे? जीत हमारी है पक्का। ओह चलो वेरी गुड, पूरा भाई सपोर्ट है। मैं भैया सो भाई ये हमारा भैया है, इनकी वाइफ है और भाभी लग रही हैं, भाभी लड़ रहे हैं चुनाव भाई, और भाभी को जिताना है। तो भाई शेयर करो जितने ज़्यादा शेयर कर सकते हो और इलेक्शन जिताओ भाई। सो फाइनली भैया आ चुके हैं। है भैया, गुड मॉर्निंग। अब तो खुशी हो रही होगी, टिकट डन है, इलेक्शन भी डन है, इस बार तो आएगी सीट पक्का। इस बार उम्मीद पूरी है, जिस तरीके से सारी जनता का रुझान दिख रहा है, लोग बहुत खुश हैं। और पिछले 15 साल में जो MCD ने जिस तरीके से काम नहीं किया दिल्ली के अंदर, और दिल्ली को एक कूड़े का ढेर बना दिया, इसको लेके लोगों के मन में बहुत नाराजगी है।
और आम आदमी पार्टी से जो उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा है लोगों की, और अगर हम लोग जीतते हैं तो हम उनकी उम्मीदों पे खरा भी उतरेंगे। अरे पक्का भैया, इस बार टिकट आपकी डन है, पक्का हो गया है, इस बार सीट डन है, और इस बार पक्का आप यहाँ से निगम पार्षद की सीट ले रहे हो, गारंटेड। अब चल रहे हैं ना भैया, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, आप बताओ कहाँ कहाँ जाना है मेरे को, मैं 24 घंटे आपके पास ही रहूँगा और मेरे व्लॉग आपके साथ चलते रहेंगे और सपोर्ट चलता रहेगा। बिल्कुल, मतलब हमारी मेरी ऑडियंस भी आपके साथ सपोर्ट करेगी और शेयर करेगी सारे व्लॉग मेरे, और आपको मतलब फैला देगी, पूरा फैला देगी। मैं एक बहुत ही मतलब गरीब फैमिली से हूँ, और आज मैं 18 साल का पूरा संघर्ष मेरा रहा है छात्र जीवन से लेके अब तक का, तो इसमें जो मैं आगे बढ़ा हूँ तो वो आप जैसे भाइयों की बदौलत ही बढ़ा हूँ, क्योंकि मेरा पैसा तो था नहीं, हाँ, पर आप जैसे भाई और लोग मेरे समर्थक हैं वही मेरा धन है, और वही मेरे को आगे बढ़ाता है, और वही शायद चुनाव में जीत भी सुनिश्चित करेगा। अरे पक्का भैया, पक्का जीतेंगे, गारंटेड। और मैं वार्ड 9 कमाल संत नगर से चुनाव लड़ रहे हैं हम, और आप सभी भाइयों को इसमें सपोर्ट करना है, क्षेत्र की सारी जनता को। अरे भैया सब फैला देंगे, मेरे सारे फैंस और मेरे जितने भी दोस्त हैं सारे फैला देंगे वीडियोस, और मैं रेगुलर आपके लिए व्लॉग बनाऊंगा, रोज आऊंगा यहाँ पे, मॉर्निंग 9 बजे आपके यहाँ पे मिल जाऊंगा और रोज़ व्लॉग बनाऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए भैया तैयारी करते हैं, सपोर्ट करते हैं और फैला देते हैं लोगों में, और एक जोश और उत्साह के साथ हम ये चुनाव जीत कर दिखाएंगे, ठीक है भैया? आज का क्या प्लान है? आज का ये प्लान है कि सबसे पहले हम नॉमिनेशन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद शाम को हम पदयात्रा निकालेंगे, ठीक है, कमालपुर में, और यही जनसंपर्क जारी रहेगा लोगों से। अच्छा ठीक है, तो मतलब और फिर भाभी तैयार है, मतलब भाभी रेडी हो चुके हैं? पूरी तरह रेडी है, तो एक बार मेरे को भाभी से मिलवा दो, फिर मैं उनका भी थोड़ा सा उनसे भी बात कर लेता हूँ और लोगों को बता देता हूँ कि कौन हमारी प्रत्याशी खड़ी हो रही है और जिनको हमें वोट देना स्पेशली। अंदर ऑफिस में ही है, आओ चलो फिर। सो भाई चलो, आप भैया के साथ चलते हैं और डन करवाते हैं कि भाभी से बात करते हैं क्या सीन है, क्या नहीं है, कि क्या है, और भैया हमारे प्रत्याशी को देखो, हमारे प्रत्याशी के वादे सुनो और उस हिसाब से आप लोग वोट करो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो भैया और भाभी बहुत अच्छे हैं और जो मुझे पता है, तो आओ चलो चलते हैं। तो फाइनली आपकी टिकट डन हो चुकी है और आप रेडी हो फिर इस बार चुनाव के लिए? तो कैसी प्रैक्टिस आपकी, क्या मतलब क्या क्या स्ट्रेटेजी आपने सोची है, क्या करना चाहते हैं? नहीं मतलब जीतने के लिए स्ट्रेटेजी क्या? जीतने के लिए बस यही है कि लोगों के घर घर जाके उनसे वोट की अपील करेंगे, जो भी केजरीवाल जी ने हमारे काम किए हैं अच्छे, उनको लोगों के घर घर जाकर पहुंचाएंगे, जो शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह सारे उन कामों को लेकर, और सबसे ये जो बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार मचाया ना कूड़े को लेकर, इसको हमें जो है लोगों को जागरूक करना है कि इसको खत्म करना है, सबसे ये जाके हम लोगों को घर घर बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है लोग आधे ज्यादा जागरूक ही नहीं है कि एमसीडी में जो इलेक्शन है वो किसके होते हैं, किस वजह से होते हैं, तो हमें बस लोगों को यही बताना है कि ये साफ सफाई का मेन जो हमारा मुद्दा है ये साफ सफाई का है। हाँ, क्योंकि लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं एमएलए में और मतलब हमारे निगम पार्षद में, इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि भैया चलो बीजेपी को वोट कर देते हैं या आम आदमी को वोट कर देते हैं। लोगों को ये है कि हमने तो भाई झाड़ू को ही वोट किया था, मतलब उन्हें ये नहीं पता कि विधानसभा के हैं या एमसीडी के इलेक्शन है, ये सांसद के इलेक्शन है, तो हमें लोगों को जा जाके ये बताना है कि एमसीडी जो इलेक्शन है वो किस चीज़ के लिए, किस पर्पज से हो रहे हैं। मतलब मेरे को हाफ एन आवर अप्रोक्स हो गए हैं और देखो चलते हैं फटाफट एसडीएम ऑफिस के बाद, और क्राउड अभी बढ़ते ही जा रहे हैं, देख रहे हो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और इस बार तहलका मचा देना है, और जो भी वार्ड 9 में है, जो भी भैया ने बताया, मतलब जो भी हैं इस एरिया में, तो प्लीज़ गाइज इनको सपोर्ट करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को,
क्योंकि वो जरूर इम्पोर्टेंट है। मतलब हाँ, वोट भी इम्पोर्टेंट है, वोट दो भैया, वोट के लिए पीछे मत हटो, वोट शेयर करो भाई, सब कुछ शेयर करो और फैलाओ भाई अपने दोस्त यार में। और भाई क्या कहते हैं, भैया को वोट दो। और जिस लिटरली मैं बताऊँ, भैया डूसू से हैं, मतलब डूसू से उन्होंने बहुत मेहनत करी है, जो हमने देखा है फाइनली आज जाके उनको टिकट मिली है। लास्ट 5 साल पहले भी उन्होंने टिकट की कोशिश करी थी बट नहीं मिल पाई थी, बट इस बार उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, 5 साल में अपने आप को निखारा है, काम करके दिखाया, उसके बाद उनको जो टिकट मिली है। और नाउ भाई फाइनली उनको, उनकी वाइफ को टिकट मिली, और इस बार मतलब क्योंकि ये वुमेन सीट है तो भाई मतलब एक वुमेन सीट का भी होता है, तो गाइस जिसको पता है वुमेन सीट का होता है तो प्लीज़ जाके वो बताओ कि वुमेन सीट का क्या सीन है, ठीक है। और अब देखो इनके तकलीफ हो रही है बेचारे के। तो गाइस वुमेन सीट का मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या सीन है, क्या होता है, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होता कि वुमेन सीट क्या होती है, तो तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ वुमेन सीट क्या है और कैसे होती है, क्यों मिलती है, कितने साल पे आती है वुमेन सीट, सब कुछ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, जिसको समझ आया, और जिसको नहीं आया उसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अरे यहीं से रुक जाओ, सामने आ जाए। हाँ पीछे से लूंगा, सामने से नहीं। सो फाइनली भाई आम आदमी पार्टी का क्राउड तैयार और ये भाभी जी चलना स्टार्ट। सो फाइनली देवर सो भाई यहाँ पे क्राउड देख रहे हो फिट्टा हो गया है और हम सारे जा रहे हैं अब SDM ऑफिस। चलो SDM ऑफिस चल रहे हैं और भाभी भैया जा रहे हैं हमारे। धर्मेंद्र रावत जिंदाबाद, रूबी रावत जिंदाबाद, धर्मेंद्र रावत जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। तो फाइनली भाई ये लोग निकल चुके हैं SDM ऑफिस के लिए और इनको जाके नामांकन करना है, तो ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं और तुम देख सकते हो पीछे जा रहे हैं और फटाफट चलो चलते हैं, क्या सीन है क्या नहीं है। तो सबको पता है कि जब रथ चलता है तो भाई ऊपर हनुमान जी सेवा के लिए खड़े रहते हैं, तो ये लोग आए हैं अभी हनुमान जी की बेसिकली आशीर्वाद लेने, हनुमान जी का तो आशीर्वाद लेके फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से SDM ऑफिस ताकि जीत सकें। और ये क्राउड देख रहे हो आम आदमी पार्टी का, लेट्स सी इलेक्शन जिताने की पूरी कोशिश। तो फाइनली भाई यहाँ पे हम आए हैं भगवान की, श्री बजरंग बली जी हैं, इनकी आशीर्वाद लेके फिर आगे चलेंगे, क्योंकि आपने देखा ही होगा।
चलो लेट्स गो हमारे प्रत्याशी रूबी रावत जी। देखो भैया और भाभी लोगों से मिल रहे हैं और पूरी तैयारी स्टार्ट है भाई और आशीर्वाद ले रहे हैं सबका कि भैया आशीर्वाद दो ताकि हम लोग आपके आशीर्वाद से जीत सकें आगे बढ़ सकें। जा रहे हैं बस सीधा SDM ऑफिस और चलो चले भाई चलो बाय टाटा। भीड़ बहुत हो गई है उत्साह बहुत बढ़ गया भाई हमें अब चलना चाहिए चलो। सो भाई देख रहे हो यहाँ पे क्राउड है आम आदमी पार्टी का यहाँ पे आम आदमी पार्टी और ये तीर वाले भी हैं सारे वो देखो पीछे भी क्राउड हो रखा है दिखाता हूँ वो देखो हर जगह भाई सब क्राउड ही क्राउड है और यहाँ पे पुलिस वालों की व्यवस्था एवर बेस्ट ये भाई बहुत खुश हो रहा है एवर बेस्ट व्यवस्था जो कि क्या ही बोले बहुत बढ़िया ये आम आदमी पार्टी के लोग भी आ रहे हैं और हमें और क्राउड भाई बहुत ज़्यादा आ गया है यहाँ पे और आम आदमी पार्टी का क्राउड है सारे निगम पार्षद के जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं वो सारे अब आएंगे और अपना नॉमिनेशन देंगे अपना नामांकन करेंगे और चुनाव की तैयारी कल से या फिर आज से ही स्टार्ट करेंगे ताकि लोगों को फैलाएंगे कि क्या है क्या है। भाई कैसे हो आप मतलब सबसे ज्यादा परेशान तो आप ही दिख रहे हो अभी आ रहे हैं रास्ते में सारे ये हमारे रोशन भैया हैं आम आदमी पार्टी के धर्मेंद्र भाई के मेन हेड जो सब कुछ करते हैं और राम भैया का पूरा इलेक्शन हैंडल करते हैं बाकी सारा सिस्टम हैंडल करते हैं वो है और क्राउड देख रहे हो भाई आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा बना हुआ है और इस वक्त नामांकन के चक्कर में थोड़ा पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है नॉर्मल सी बात है वो तो होगी बट क्या कर सकते हैं भाई आज मतलब नामांकन करना ही है सबको। मेल लीडर है भाई श्रीवास्तव जी क्या हाल है राहुल भाई के पास चल रहे हो कैसे हो भाई आइए बोलेंगे थोड़ी हाँ इनको डांस करना था भैया के सामने बताओ अलग ही लेवल वाह भाई वाह बहुत बढ़िया। सो भाई क्राउड देख रहे हो उधर की तरफ आ गया है अपना कार वहाँ जो भी है रूबी रावत जी का कार वहाँ आ चुका है तो देख रहे
भैया क्या हाल है? कैसे हो आप? कैसा चल रहा है? बस ठीक, सही चल रहा है। इस बार तो हिला देना। चलेगी यारू। पक्का? पक्का। चलो बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे मीडिया भी आ गई भाई। मैडम आप इलेक्शन जीतती हैं तो क्या क्या मेन प्रमुखता होगी आपकी विकास के नाम पर? सबसे पहले तो मेन मुद्दा है हमारा वो है साफ सफाई कूड़े का, जो गलियों में इतनी गंदगी मचा रखी है कूड़े को हटाना है, नालियों को साफ करना है। मेन हमारा जो मेन मुद्दा है वो है साफ सफाई, और ये जो बीजेपी ने भ्रष्टाचार चार बचाना है कहीं भी घर बनने लगता है और जाते उपाय करने के लिए, ये दो तीन मुद्दे हैं हमारे जो मेन। इस बार जो टिकट वितरण के समय महिलाओं को विशेष वरीयता दी है आम आदमी पार्टी, क्या कहना चाहूँगी मैं उसके लिए? पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस बार उन्होंने महिलाओं को इतना बड़ा सम्मान दिया। सर जनता आप पर भरोसा क्यों करे? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने लगातार काम करके दिखाया है और देश की एकमात्र पार्टी है जो काम के नाम पर वोट मांगती है, और हमने अपने मैनिफेस्टो में जितने वादे किए थे वो सारे पूरे किए, इसलिए जनता को हमारे पे विश्वास करना चाहिए। एक तरफ वो सरकार है एमसीडी की जिसने भ्रष्टाचार फैला रखा है, दूसरी तरफ एक ऐसी सरकार है जो जनता के लिए काम करने वाली सरकार है, जो गरीब आदमी के लिए काम करने के लिए तैयार है, पिछड़े आदमी के लिए काम करने के लिए तैयार है, दलित आदमी के लिए काम करने के लिए तैयार है। आपको लगता है कि 8 साल का जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके कामकाज से आपको फायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि जनता आज उसी काम पर मोहर लगाने वाली है। एमसीडी में जो वोट मिलेगा हमें इसी नाम पर मिलेगा, क्योंकि हमारी पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है और दिल्ली के लोग इस काम से बहुत खुश हैं। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, रूबी रूबी जिंदाबाद, रूबी रावत जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल। सो गाइस ये एसडीएम ऑफिस का गेट जहां से नामांकन करना है, और इधर बीजेपी का क्राउड खड़ा है पूरा का पूरा। हां बाकी सारी पार्टीज के लोग भी, हाँ बाकी सारी पार्टीज भी हमें देख रहे हो, बीजेपी का क्राउड भी, आम आदमी पार्टी का भी क्राउड है। ये देखो ये होती है मस्त चीज, ये बेस्ट लगती है मेरे को, अल्टीमेट एक नंबर। इधर इधर बीजेपी वाले भी और इधर आम आदमी पार्टी वाले भी, अलग लेवल। कौन वकील हो गए कैंडिडेट?
अंदर जाते हुए वो क्राउड को बाहर करते हैं और सो गाइस फाइनली आज का व्लॉग डन करते हैं और आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताओ, शेयर करो अपने भाई दोस्त और ये देख रहे हो क्राउड कैसा लगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए जो मैं रेगुलर लेके आने वाला हूँ, 15-20 दिन चलेगा इलेक्शन और मैं इलेक्शन की 15-20 दिन की प्रॉपर वीडियोस कवर करने जा रहा हूँ धामू भैया के साथ और मैं क्लियर बताऊँगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है और कैसे वो कर रहे हैं तैयारी और सब कुछ। बाकी स्टे ट्यून्ड, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ बोलना आपको सभी कार्यकर्ता है, सभी को बधाई है, पुराने कार्यकर्ता है, सभी को बधाई है, जीत की बधाई सबको। देखो हम जीरो मतलब एक तरीके से त्यौहार है ना क्योंकि सब उत्साहित हो गए हैं और सब यहाँ पे नॉमिनेशन भर रहे हैं, उसके बाद उत्साह से हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद जीतने की कोशिश करेंगे, ये इसका बात ही अलग होती है ना। आपको कुछ कहना है इसके बारे में? सभी को जितने लोग हैं उम्मीदवार सभी को जीत की अग्रिम बधाई। ये बढ़िया। सो भाई अंकल कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं सबको बधाई, सब अच्छे से जीतो और खुशी खुशी भाई साहब नामांकन भरो और जीत जाओ सारे के सारे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। सारी दिल्ली बोले जिससे लगे।